एक बार सभी पत्रकार बंधुओं के बजाय इस साथ हूँ। पंजाब केसरी से राजीव गर्ग जी यदि मौजूद है सम्मानित करते हुए रोटरियन के सभी रोटरी क्लब की तरफ से। सबसे बड़ी बात कहता हूँ, जो इनका मेन रोल रहता है सफाई का, इनके बिना शहर में कोई सफाई नहीं होती। इनका मेन रोल है, इनकी सफाई से ही शहर में दुर्गंध चीज खत्म होती है। जो दिन रात ड्यूटी देके हम कहते हैं इनका, इनके तो सेवा के मामले में बाकी कोई मेंबर नहीं है जो देते हैं। आज ये प्रधान जी ने सोचा कि हमारे जो सफाई कर्मचारी जो धूप देखते नहीं, बारिश देखते नहीं, दिन देखते नहीं, रात देखते नहीं, और हमने उसी सोच के साथ आज ये चाहा कि हमने क्यों ना इनको सम्मानित करना चाहिए, इनको मान सम्मान देना चाहिए, जिससे वो भरपूर। सभी दर्शकों को नमस्कार। आज रोटरी क्लब नरवाना के द्वारा जो है जो भी सफाई कर्मचारी उनको सम्मानित किया, पत्रकार उनको सम्मानित किया गया है। जो सफाई कर्मचारी हमारे देश की को स्वच्छ बनाने में अहम योगदान है, और ऐसे में रोटरी क्लब जो लगातार समय समय पर इस प्रकार के योगदान देता आया है, आज इनके द्वारा एक बड़ा कार्यक्रम किया गया है। और हम रोटरी क्लब के जो प्रधान है राजेंद्र बंसल जी और जो सेक्रेटरी है दीपक मित्तल जी, उनसे भी बातचीत करेंगे, और साथ में यहाँ पर प्रकाश जी है उनसे भी बातचीत में जो मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पर पहुंचे हैं। कल नमस्कार। तो आज जो सफाई कर्मचारी है जो हमारे देश को स्वच्छ बनाने में जिनका अहम योगदान होता है, तो उनको आपके क्लब के द्वारा, रोटरी क्लब के द्वारा सम्मानित किया गया है। तो किस तरीके से देखते हैं कि समय समय पर जो हमारे देश के अंदर जो किसी भी प्रकार का योगदान रहता है उनको समय समय पर उत्साहित और सम्मानित करना जरूरी है। मैं रोटरी क्लब की तरफ से सबसे बड़ी बात कहता हूँ, जो इनका मेन रोल रहता है सफाई का, इनके बिना शहर में कोई सफाई नहीं होती। इनका मेन रोल है, इनकी सफाई से ही शहर में दुर्गंध चीज खत्म होती है। जो दिन रात ड्यूटी देके हम कहते हैं इनका, इनके तो सेवा के मामले में बाकी कोई मेंबर नहीं है जो देते हैं। तो दीपक मित्तल जी है, सेक्रेटरी है सर। नमस्कार। नमस्कार। तो आज के कार्यक्रम को किस प्रकार से आप देखते हैं, क्योंकि इनको मोटिवेट करना कहीं ना कहीं हमारी जो सफाई अभियान है उसमें चार चांद लगाना, उनको मोटिवेट करने से वो भी अच्छी तरीके से हो रही है। रोटरी क्लब हमेशा एक अपना उत्तरदायित्व समझता है कि हर क्षेत्र में वो अपनी भागीदारी निभाएं। हम समाज से जुड़े हुए हैं, एक सामाजिक संस्थान है, उसमें हमेशा हमारी सोच रहती है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो उसमें हम क्षेत्र में एक अच्छा कार्य करना चाहते हैं और सबका सहयोग करना चाहते हैं, जो समाज में हमारी हिस्सेदारी भागीदारी बनी रहे। उसी कड़ी में, उसी श्रृंखला में जुड़ते हुए हमने आज ये प्रधान जी ने सोचा कि हमारे जो सफाई कर्मचारी जो धूप देखते नहीं, बारिश देखते नहीं, दिन देखते नहीं, रात देखते नहीं, और जो जिस चीज को हम कचरे को रिजेक्ट कर देते हैं, हमारे घर से बाहर फेंक देते हैं, जिससे हम बदबू घिन महसूस करते हैं, उस चीज को वो उठाकर अपने हाथों से अपने और वो करके उसको और
जो अपने 20-30 फुट की गहरे सीवर के अंदर जाकर जिसमें इतनी ज्यादा गैस होती है, स्मेल होती है, जो हमारे सोच से परे की बातें होती हैं, तो अपनी जान को जोखिम में डालकर अपनी सेहत की परवाह ना करते हुए हमारे हमें क्लीन और स्वच्छ शहर देते हैं। सफाई के माध्यम से, अपनी सेवाओं के माध्यम से हम उनका सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और हमने उसी सोच के साथ आज ये चाहा कि हमने क्यों ना इनको सम्मानित करना चाहिए, इनको मान सम्मान देना चाहिए जिसके वो भरपूर हकदार हैं। तो मैं उन सभी का आज बहुत रोटरी क्लब की तरफ से धन्यवाद करूंगा कि उनके इस सहयोग के लिए हम सभी उनके आभारी हैं। आपने देखा होगा कि ऊंची दुकान फीका पकवान, लेकिन ये ऊंची दुकान में मीठा पकवान भी है। समाज सेवा में इनका चढ़कर हाथ रहता है, किसी भी प्रकार का जो कार्य हो समाज सेवा उनमें इनका हाथ रहता है। ओम प्रकाश जी, आपको जैसे व्यक्ति, चाहे हम शमशान घाट की बात करें या अन्य कार्य की बात करें, आपका बहुत भरपूर सहयोग रहा है, तो किस तरीके से देखते हैं जो रोटरी क्लब निर्वाण के द्वारा ये मुहिम चली गई है कि हर समय समय पर जो भी तबका कार्यकर्ता हमारे समाज में उनको सम्मानित किया जाए? बहुत बहुत धन्यवाद सबका। आज हमारे एक छोटे से बुलावे पर श्री ओम प्रकाश जी ने हमारे इस नियोते को स्वीकार किया, क्योंकि ये समाज से बहुत जुड़े हुए हैं और शोशेबाजी और दिखावे से बहुत दूर हैं। इन्होंने एक छोटे से बुलावे पर आकर हमें इतना भरपूर अपना समय दिया, सहयोग दिया, उनके हम तहे दिल से आभारी हैं। और इनके बारे में कौन नहीं जानता, बिल्कुल गुप्त रूप से ये इतना सहयोग समाज में अपना समर्थन दे रहे हैं, जिनके लिए समाज इनका बहुत आभारी है। अमित जी, क्या रोटरी क्लब नरवाना के द्वारा ये बड़ा कार्यक्रम किया गया था, और हम चाहते हैं इस प्रकार की खबर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि समाज के अंदर ये संदेश फैले और जो भी तबका इस प्रकार से समाज के अंदर हिस्सेदारी होती है वो मोटिवेट हो और आगे इससे भी अच्छा कार्य करे। धन्यवाद।